The steps are as follows. First of all, the given equations are not linear equations in two variable. दिए हुए equations linear equations नहीं है क्योंकि x और y के terms यहाँ denominator में दिखाई दे रहे. इसमें जो x वाला common part है 1 by x minus 1 और y वाला 1 by y minus 2, उसके जगह हम m n substitute करके दोनों equation को linear equation में convert करते हैं. Then we find out m n. And by replacing mn, we get x and y. This is how we solve. Steps सबको समझ में आ गए होंगे. We were solving question fourth. So here 1/3x + y and 1/3x - y. इसके जगह हमने m और n substitute किया. This substitution we have done. And then we got फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे m डाला तो m प्लस n इज इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन में हाफ हाफ इंटू m माइनस हाफ इंटू n इज इक्वल टू -1/8. अभी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड. सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 4 हियर वी विल गेट 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3. से दिस एज इक्वेशन नंबर 1. And then here if I multiply by 2, we will get here m minus n is equal to 2 से multiply करने के अलावा अच्छा है 8 से multiply करो सीधे, क्योंकि 8 यहाँ पे LCM है सारे denominator का, 2 2 और 8, so LCM is 8, so let us multiply by 8. So here we will get 4m minus 4n 8 से multiply करने के बाद is equal to -1. से दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अभी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. वी कैन सिंपली ऐड देम. एडिशन करने के बाद 4n माइनस 4n कैंसिल होगा. सो आई एम राइटिंग ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. सो फर्स्ट इज 4m प्लस 4n इक्वल टू 3. सेकंड इज 4m माइनस 4n इक्वल टू -1. व्हेन वी आर एडिंग देम, 4n minus 4n cancel, 8m is equal to 2, m is equal to 2/8, which is 1/4. Now substitute this value of m in either first or second equation. So hum first equation mein substitute karte hai, put in equation 1. So equation 1 will become, equation 1 is 4m plus 4n equal to 3, m is 1/4. तो यहाँ पे 1/4 सब्स्टिट्यूट किया. सो वी विल गेट दिस इज 4 कैंसिल, 1 राइट में शिफ्ट किया तो 3 - 1 2 बचेगा. n इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2. एंड वी वांटेड टू कैलकुलेट x एंड y. ओरिजिनल वेरिएबल x y है, वी हैव टू फाइंड आउट x y. तो ये जो रिप्लेसमेंट था वो फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है. वी हैव, so we have (1/3x + y) is equal to m. 1/3x + y is equal to 1/4. Now cross multiply, we will get 3x + y is equal to 4. Say this as equation number 3. Similarly, we also have 1/3x - y is equal to n. n ka value yaha pe substitute karo. 1/3x - y is equal to 1/2. Cross multiply. 3x - y into 1. 3x - y is equal to 2 ones are 2. So this is equation number 4. Now equation 3 and 4 we have to solve. Generally we can solve by elimination method. Agar aap easily solve kar sakte hai, to jaise yaha pe हम y को कैंसल कर सकते हैं सीधा एडिशन करके. तो देयरफॉर वी आर सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. सो 6x = 6, x = 1. x = 1 आप थर्ड या फोर्थ कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन 3 गिव्स 3x + y = 4 है. x का वैल्यू 1 है. So y is equal to 4 - 3, 1.
So finally, therefore, we will write solution is x comma y 1 comma 1. This is our final answer. Is it clear to everyone? समझ में आया सब लोगों को? Yes. Yes. Sir, can you take one more question? हाँ, आपको अगर स्पेसिफिकली कोई डाउट है एक्सरसाइज 1.4 में, इफ यू वांट मी टू टेक समथिंग, यू मे आस्क दैट. फर्स्ट सम ऑफ यू ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट ऑल्सो. कुछ लोगों ने इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके मुझे होमवर्क भी भेजा है. आज का ये होमवर्क है, दे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेना. यस, विच क्वेश्चन टू टेक? और किसी को चाहिए और क्वेश्चन ले लो. यही टफ था सबसे. मतलब ये ओरिजिनली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है. रिड्यूसिबल का मतलब उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, या उसके जगह एम और एन डाल के. सर, हाँ सर, क्या हम एम और एन की डायरेक्टली वैल्यू ले ही नहीं सकते? एम और एन के डायरेक्टली वैल्यूज नहीं ले सकते क्या? नहीं रे बेटा, यम और यन हमने सब्स्टिट्यूट किया. क्वेश्चन में वेरिएबल कौन से है? एक्स और वाई है ना, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. वी विल हैव टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई. इसीलिए री सब्स्टिट्यूट करना, ये वाला स्टेप जो किया हमने, ये री सब्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है. यम एन हमने खाली यूज करने के लिए लिया है, उसका यूज करके क्वेश्चन का आंसर लाया. सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं. आप फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लेना. 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. एंड सेकंड इक्वेशन इज 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू निगेटिव 2. तो यहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 अपॉन x प्लस वाई 10 इंटू 1 बाय x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 बाय x माइनस वाई. इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि उसके जगह हम m और n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू निगेटिव 2, ऐसे लिखा पहले मैंने. अभी जो ब्रैकेट में है 1 बाय x प्लस वाई यहाँ पे और यहाँ पे, उसके जगह m सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पुट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू m. सो देयरफॉर वी विल गेट 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. And second equation 15m minus 5m equal to negative 2, equation number 2. अभी इन दोनों equation को हमें solve करना है, whichever method you want. Linear equation in two variable है ये. अभी आपको जो method पसंद है, substitution, elimination, generally elimination का ही use करता हूँ मैं इन सारे question को solve करने के लिए. आप चाहे तो Cramer's rule, अगर आसान लगता है तो Cramer's rule भी use कर सकते हैं, ठीक है? सो ओके, हम यहाँ एन को एलिमिनेट करेंगे. सो आई विल मल्टीप्लाई, ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये एन का कोएफिशिएंट 2 जो है, इससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो वी विल गेट हियर 50m प्लस 10n इक्वल टू 5 4 20. इक्वेशन 1 को हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया. 5 10 50, 5 2 10n, 5 4 20. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 30m माइनस 10n इज इक्वल टू निगेटिव 4. 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ वी कैन सिंपली ऐड देम. तो यही पे मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, देखो, से दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, और यही पे नीचे मैं ले रहा हूँ एड 3 एंड 4.
So this will give us 10n minus 10n cancel, 50 plus 30, 80 m is equal to 16. M is equal to 16 by 80, that is 1 by 5. 16 5s are 80. M का वैल्यू अभी कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, 1, 2, 3, 4 चारों में से. हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे 14 इक्वेशन 1. सो वहां से n का वैल्यू मिल जाएगा. इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमें मिला है 10m plus 2n equal to 4. m का वैल्यू यहाँ पे 1 by 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 5 1s are 5, 2s are 10. यहाँ 2 बचा है, 2 को राइट में शिफ्ट किया तो 4 माइनस 2 2 आएगा. सो n इज इक्वल टू 1. ओके, m और n के वैल्यूज मिल गए. अभी री सब्स्टिट्यूट कर लो. वी हैव 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू m. 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1 बाई 5. m का वैल्यू 1 बाई 5 मिला था. क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर से 5. और अगला है 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू n. 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 1. 1 मीन्स 1 अपॉन 1, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 1. ये इक्वेशन नंबर 6. नाउ इक्वेशन 1 और 5 और 6 को हमें सॉल्व करना है. सो वी विल ऐड देम. ऐड इक्वेशन 5 एंड 6. x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 1. Adding them, we will get 2x equal to 6, x equal to 3. X का value 5, 6 में से किसी भी एक equation में डाल दो. 14 equation 5. So 5, x plus y is equal to 5. 3 plus y equal to 5, y is equal to 5 minus 3, 2. Therefore, solution is x, y, 3, 2. This is our final answer. ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का वो फोर्थ भी था, जिसमें हमें यमएन में दो इक्वेशन मिले, उनको सॉल्व किया और फिर रीसब्स्टिट्यूट करके फिर से एक्स वाई में दो इक्वेशन मिले, उनको भी सॉल्व किया. एलिमिनेशन मेथड इजी है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड यूज किया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. ओके, लिख रहे कि नहीं सब लोग? अच्छे से नोट्स एकदम अच्छे से निकालो. हाँ सर. तो ये हुआ हमारा रिड्यूसिबल वाला मेथड. अगर ओरिजिनली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं और फिर री सब्स्टिट्यूशन करके उनके ओरिजिनल एक्स वाई के वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए. ठीक है, अरे राजनंदिनी आप सॉल्यूशन निकालो उसका. बहुत बार आपको वीडियो लेक्चर भेजना पड़ता है मुझे. रेज नहीं आता क्या आपके यहाँ पे? अच्छा, जो भी लोग खाली स्क्रीनशॉट ले रहे तो आपको ये सारा होमवर्क मुझे भेजना है. प्लीज सेंड मी द होमवर्क. नोटबुक में लिखो अच्छे से. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हाँ हाँ, वरद ने भेजा है और दो तीन स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके मुझे भेजा है. 1.4. आई डोंट रिकलेक्ट, अभी मैं नाम डाल दूंगा चैट में. ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. सो अभी देखो, जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस नहीं दिए रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम. त्याला अपन मराठीत शाब्दिक उदाहरण म्हणतो. सो वर्ड प्रॉब्लम्स विल बी गिवन टू अस
And by using those word problems, we have to first make equations and then solve those equations. ठीक है, you can use any method. जैसे देखो इन्होंने Cramer's rule use किया है, क्योंकि Cramer's rule बहुत आसान है. It gives us value directly. X equal to dx upon dy equal to dy upon d. कभी कभी elimination method use किया है. So whichever method, there is no restriction. Only thing is, दिया हुआ क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स किसको लेना है, वेरिएबल वाई किसको लेना है, वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है. सो एंड देन व्हेन वी मेक द इक्वेशंस, उन इक्वेशन को सॉल्व करके वो वेरिएबल एक्स और वाई हमें फाइंड करने. ओके, स्पेशली ये बोट वाले क्वेश्चंस, बाद में ट्रेन वाले क्वेश्चन, और ये कौन से है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है. नंबर वाले क्वेश्चन, टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, ये तीन चार क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल में दिए हुए हैं वो मैं बाद में ले लूंगा प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद. पहले हम डायरेक्ट अभी प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करेंगे. वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन आई विल सॉल्व, फ्यू आई विल गिव होमवर्क. एंड टूडे देर इज मैक्सिमम होमवर्क. प्रैक्टिस सेट 1.4 तो कंप्लीट करना ही है, 1.5 भी इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा, दो तीन क्वेश्चन जितने हो सकते हैं. उसके बाद इसमें से ट्राई करो, फिर प्रॉब्लम सेट 1 जो है दैट इज ऑल्सो टूडेज होमवर्क. प्रॉब्लम सेट 1 आप स्टार्ट कर दो अभी स्लोली स्लोली, एक 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 क्वेश्चन हम दो तीन दिन लेंगे इसको. यू कैन कंप्लीट इट बाय ट्यूजडे ऑल्सो, मंगलवार पर्यंत संपवला तरी चालेल. हा, सो प्रैक्टिस सेट 1.5 लेट अस स्टार्ट. बस इसमें क्या है, अप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मीन्स एक्चुअली देर आर वर्ड प्रॉब्लम्स, शाब्दिक उदाहरण आहे त्यांना आपल्याला इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. So give this next heading, applications of simultaneous equation. Okay. As soon as we read the, एक पहला हिंट बताता हूं कि सबसे पहले जब भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसमें क्या पूछा गया वो पहले पढ़ लो. फाइंड द नंबर्स, इसका मतलब वहां पे कम से कम दो नंबर्स हैं. अगर दो नंबर्स है तो इसका मतलब उन दो नंबर्स को हमें वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई लेना है. अभी हमें क्या बोला गया, टू नंबर्स डिफर बाय थ्री. अभी उनका डिफरेंस थ्री है, इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा, वन विल बी ग्रेटर नंबर, वन विल बी स्मॉलर नंबर. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. दो कंडीशन दिए हैं, ये पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन मिलेगा और दूसरे लाइन का दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन मिलेगा. हमेशा जो भी चाहिए, अभी देखो यहाँ पे हमें फाइंड द पेरिमीटर एंड एरिया पूछा गया, तो ये रेक्टेंगल के लिए, तो हमें रेक्टेंगल के दो वेरिएबल कौन कौन से रहते हैं, एक्स एंड वाई. तो वहां पे हम उसको लेंथ, यहाँ पे वैसे ही लेंथ दिया हुआ है और ब्रेड्थ भी दिया हुआ है, सो दैट वी कैन कंसिडर. अभी यहाँ पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके दोनों के प्रेजेंट एज को एक को एक्स अज्यूम करेंगे, एक को वाई. बाद में पूछा गया फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दो पार्ट रहते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को लेंगे हम एक्स और डिनोमिनेटर को लेंगे वाई. मतलब एज सून एज यू रीड द क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. दो टाइप के बॉक्स है, ए और बी, तो हम अज्यूम करेंगे कि बॉक्स ए का वेट एक्स और बॉक्स बी का वेट वाई, जो भी किलोग्राम में लेना है या फिर दूसरा कोई यूनिट. उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, तो यहाँ पे विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पूछा गया, और उसने बस और एरोप्लेन दोनों तरीके से अपना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो बस से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है वो एक्स लेंगे और एरोप्लेन से ट्रेवल किया हुआ वाई लेंगे, और एक्स और वाई में से हमें एक्स ही पूछा गया, तो बस एक्स का आंसर हम निकाल लेंगे वाई को कैंसल आउट करके. तो ऐसे, सो
as soon as you read the word problem, first of all you should be able to identify किसको x लेना है किसको y. तो हमेशा ये last line पढ़ने का पहले वहां से आपको समझ में आता है कि find the present ages, मतलब ये father है son है, तो father के age को x माना, तो son के age को हम y assume करेंगे. Okay, you can directly write the answer. Practice set का नाम दे दो और number लिखो. No need to write the question. Question मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है. ऐसे ही बस प्रैक्टिस सेट 1.5, जैसे आप डायरेक्ट आंसर प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 लाइक दिस. ओके, सो फाइंड द नंबर्स. और ये यहाँ पे दो नंबर है, एक स्मॉलर एक ग्रेटर. तो अभी मैं पहले वर्बली लिखना पड़ेगा वर्ड में. लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू वाई. ओके, नाउ ये पहला लाइन मतलब पहला कंडीशन दिया है, तो वहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. एक्चुअली लास्ट ईयर ना मेरे क्लास में मराठी मीडियम के स्टूडेंट भी बैठे रहते थे, तो मुझे यहाँ पे साथ साथ मराठी में भी लिखना पड़ता था. समझा, लहान क्रमांक एक्स आहे, मोठा क्रमांक वाय आहे, पहिल्या अटीनुसार फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन. व्हेरी डिफिकल्ट. टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो इनका डिफरेंस हमें लेना है. अच्छा, हम उल्टा लेंगे, डिफरेंस लेना है तो एक्स माइनस वाई लेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉलर नंबर को वाई लेता हूँ और ग्रेटर नंबर को एक्स लेंगे. तो डिफरेंस हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3. डिफरेंस लेते वक्त हम इसको बोलेंगे इक्वेशन 1. डिफरेंस लेते वक्त ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर ऐसे लेना है. ये हुआ पहले कंडीशन से. अभी दूसरा कंडीशन से जो इक्वेशन मिलता है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन दूसरा अटीनुसार, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. सम लेना है किसका, ट्वाइस द स्मॉलर का ट्वाइस एंड थ्राइज द ग्रेटर. तो थ्राइज द ग्रेटर मतलब 3x प्लस ट्वाइज द स्मॉलर मतलब 2y इज इक्वल टू 19. इन दोनों का सम जो है ये 19 है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दैट्स ऑल. अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. अगला पार्ट आप कर लेना सॉल्विंग. एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जो भी आपको पसंद है. इज इट क्लियर? तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के इक्वेशन खाली बना के दूंगा ताकि टाइम बच जाए, बाकी सॉल्विंग आप खुद कर लेना. ये इतना पार्ट लिख लो, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो. यू कैन सॉल्व एंड क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. बाद में आंसर मिलने के बाद ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. एक्स और वाई का डिफरेंस 3 मिलना चाहिए और ये जो दूसरा कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग. ये जो रेक्टेंगल है ये बोल रहा है खुद कि आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ. तो उसका लेंथ हमें 2x प्लस वाई प्लस 8 दिया है और 4x माइनस वाई दिया है, मतलब इन दोनों को हम इक्वल ले सकते हैं. तो दोनों को इक्वल लेने से हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा. और ये ब्रेड्थ है 2y और x प्लस 4, तो दोनों ब्रेड्थ हम इक्वल लेंगे तो उसमें हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई मिल जाएंगे. और आखिरी में हमें पूछा गया पेरीमीटर एंड एरिया, तो आपको पता ही है पेरीमीटर मींस 2 टाइम्स इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा और फिर आप कोई भी एक लेंथ निकालो और ब्रेड्थ निकाल लो. ठीक है, सो उसका सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा. फ्रॉम फिगर, उस फिगर से हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कौन से हैं? दो लेंथ दिए हैं, 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4x माइनस वाई, क्योंकि लेंथ हमेशा सेम ही रहता है, ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे. तो ये दोनों साइड लेंथ इक्वल टू लेंथ ले लिया हमने. वहां से हमें अभी पहला इक्वेशन मिल जाएगा
तो मैं इन सबको राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ. फोर एक्स माइनस टू एक्स टू एक्स माइनस वाई माइनस वाई माइनस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो. टू से डिवाइड करो एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर से दिस इज इक्वेशन नंबर वन. बाद में ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दिया हुआ है हमें x प्लस फोर और एक टू वाई. सो x प्लस फोर इज इक्वल टू टू वाई. देयर फोर एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर इक्वेशन नंबर टू. बस अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. सॉल्विंग भी बहुत आसान है. दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो तो x कैंसिल हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को तो वहां से y मिल जाएगा. ये फर्दर सॉल्विंग मैं अभी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ. एक्स वाई निकालना है और उसके बाद पेरीमीटर और एरिया. पेरीमीटर मतलब ये पूरे चारों साइड का पहले लेंथ और ब्रेड्थ निकालो. चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं एक्स और वाई को ही लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं. एक्स वाई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है. लेंथ कितना है ये पूरा 2x प्लस वाई प्लस 8 या फिर ये ले लो 4x माइनस वाई. दोनों के वैल्यूज इक्वली आएंगे. और ब्रेड्थ कितना है x प्लस 4 या फिर 2y. दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं ब्रेड्थ. सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो पहले एक्स वाई फाइंड करने के लिए इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू दोनों का सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं. एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर. एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू निगेटिव फोर. माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल. माइनस वाई प्लस टू वाई वाई और फोर प्लस फोर एट. वाई का वैल्यू एट मिला. सब्स्टिट्यूट इट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन वन में डालेंगे 14 इक्वेशन वन. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन वन से इक्वेशन वन इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर. वाई की जगह एट डाल दिया. एक्स इज इक्वल टू 12 मिल गया. ये पहला पार्ट हो गया. तो यहाँ लिख लेने का एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 12.8. उसके बाद हमें फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वन है वो निकाल दिए. फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. सो पहले हमें लेंथ निकालना पड़ेगा. सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8. ये है पूरा लेंथ. x के जगह 12 डाल दो. y के जगह 8. सो 12 टू जा 24 प्लस 8 प्लस 8 24 और प्लस 16 ये कितना आता है 40. यूनिट क्या दिया हुआ है. यूनिट कुछ नहीं तो हम लिखेंगे खाली यूनिट. 40 यूनिट्स लेंथ आया. एंड ब्रेड्थ इज ब्रेड्थ कोई भी एक ले लो. x प्लस 4 ले लो या 2y ले लो. हम x प्लस 4 लेंगे. x मतलब 12 प्लस 4 16 यूनिट्स. बस हो गया. लेंथ ब्रेड्थ आ गया. बस अभी पेरीमीटर और एरिया आप निकाल लेना. चाहे तो इसको बी ब्रेड्थ को बी बोल दो लेंथ को एल बोल दो. अभी पेरीमीटर और एरिया आप निकाल लेना. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी. एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. आंसर चेक कर लेना. नेक्स्ट इसमें खाली मैं इक्वेशन बना के देता हूँ. द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, so his son, the sum is 95. Find their present ages. So their present ages ये find करने हैं. तो हम उनके present age को x और y assume करेंगे. Question number 3. Let father's present age, वडिलांचे आजचे वय, father's present age is equal to x years. And son's present age, mulache aache vay, today's age, with let's say it is y years. Okay. Now, ये दो line मतलब दो condition है, उससे दो equation बन जाएंगे. So पहले हम लिखेंगे from first condition. From the first condition, we have to make the equation. See, क्या दिया है sum. Sum लेना है. किसका? सम ऑफ फादर्स एज. फादर का एज है एक्स प्लस एंड किसके साथ ट्वाइस द एज ऑफ सन.
एज ऑफ सन y है, उसका ट्वाइस लिया तो 2y इज इक्वल टू सम कितना दिया है, इज 70। ये हुआ इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन दूसरा लाइन पढ़ो अच्छे से, वहां से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। क्या बोला, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। फादर का एज डबल किया तो फादर का एज x है, x का डबल 2x, और उसको ऐड किया सन के एज में, सन का एज y है, तो सम इज 95, दोनों का सम 95 आएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, बस इन दो इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व कर लेना बाद में, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज फोर मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अभी हमें फ्रैक्शन में दो चीजें रहती है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। हम ऐसा अज्यूम करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ये रहेगा वो फ्रैक्शन। अभी पहला कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, तो डिनोमिनेटर क्या है y, y इज इक्वल टू इज फोर मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस करेंगे तो 2x और उससे 4 से बड़ा है 2x प्लस 4, तो यहाँ आपको मिलेगा 2x माइनस y इक्वल टू नेगेटिव 4, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये मैंने y को लेफ्ट में शिफ्ट किया, 4 को राइट में शिफ्ट कर दिया, ऐसे। ये हुआ पहला इक्वेशन। नेक्स्ट फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं कि सर के ऊपर से जा रहा है? यस सर, अंडरस्टैंड। हाँ, नेक्स्ट, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो जल्दी से ऑडियो ऑन करके, सर बोलना कि सर ये फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन कैसे आया, नहीं समझा। बस इक्वेशन कैसे बनाना ये एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें, ये मैं बता रहा हूँ। सॉल्विंग तो अभी आप एक्सपर्ट हो गए, चार चार मेथड सीख लिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। अभी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस करेंगे, तो अभी देखो, तो दोनों को 6 से रिड्यूस किया तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक न्यूमरेटर x माइनस 6, डिनोमिनेटर y माइनस 6, ऐसे रिड्यूस किया। तो रिड्यूस करने के बाद क्या बताया उन्होंने कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो अभी डिनोमिनेटर हमारा न्यू डिनोमिनेटर y माइनस 6 रहेगा एंड इट इज इक्वल टू 12 टाइम्स x माइनस 6। ठीक है, 6 से कम कर दिए दोनों को पहले तो, और इक्वेशन में कंडीशन में बताया कि ये जो रिड्यूस करने के बाद रिलेशन क्या मिला कि y माइनस 6 जो है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर है, ऐसे। सो दैट इज सेकंड कंडीशन, 12x माइनस 12x माइनस y इज इक्वल टू 72 माइनस 6, 12x माइनस y इक्वल टू यहाँ पे कितना 66 बचेगा, इक्वेशन नंबर टू। दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करके y को कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग अभी आप देख लेना कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया इक्वेशन कैसे बने? यस सर। y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 आया है, वो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं ना? हाँ, यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल्सो। y के जगह 2x प्लस 4 इस इक्वेशन में डाल दो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो। वेरी गुड आइडिया, बहुत आसान हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये। एलिमिनेशन मेथड से नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। अभी देखो,
ट्रक का पूरा कैपेसिटी 10 tons का है. Now, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. So, पहला टाइप ए जो बॉक्स है इसके 150 बॉक्स हमने भर दिए ट्रक में, और टाइप बी के जो बॉक्सेस है अलग साइज के रहेंगे, ये 100 बॉक्सेस भर दिए, उसका वेट भी अलग अलग रहेगा. तो ये 150 और ये 100 बॉक्सेस दोनों मिला के पूरा वो ट्रक पूरा भर रहा है 10 tons. और दूसरा कंडीशन दिया है कि 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड. तो फुल लोड हमारा 10 टन का ही है. तो 10 टन लाने के लिए, बनाने के लिए हमें एक टाइप ए के 260 बॉक्स और टाइप बी के 40 बॉक्स एक्स्ट्रा लगेंगे. फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. तो अभी हम क्या करेंगे, जो पूछा गया उसको एक्स और वाई ले लो. लेट वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए is equal to x and the weight of box type b is equal to y. अभी इसको आप किलोग्राम में ले लो, we will take in the kilogram, और टन को भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, एक टन मतलब कितना किलोग्राम होता है रे? 1000. ओके, ये सबको पता रहना चाहिए. चलो ठीक है ना. अभी पहला कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में हमें बोला कि ए टाइप के 150 बॉक्स और बी टाइप के 100 बॉक्स दोनों का एडिशन करके पूरा ट्रक का जो वेट है 10 टन मिलेगा. सो एक ए बॉक्स का वेट है एक्स किलोग्राम, तो 150 बॉक्स का वेट आएगा 150 × x प्लस 100 × y is equal to 10 ton. 10 ton मतलब 10,000. किलोग्राम में चाहिए ना सब कुछ, ये किलोग्राम में आया इक्वेशन वन. आप इसको सिंप्लीफाई करो. और सेकंड कंडीशन से ये आएगा 260 × x प्लस 40 × y is equal to 10 ton. इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, ये सॉल्व कर लेना. ट्राई टू सॉल्व 1.5 practice set today and tomorrow start problem set 1. ठीक है? Okay sir. Thank you all. Okay sir. Bye sir. Bye. जो भी doubts है वो हम Monday को discuss करेंगे.